मात्र दस से पंद्रह के बीच में मिलने वाला ये स्पंज वाला स्क्रबर हम सब के घर में होता ही होता है पर आपने अभी तक इसका इस्तेमाल सिर्फ किचन में किया होगा चलिए आज आपको बताती हूँ कि कैसे स्मार्टली आप इसको अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल भी ऐसा कि आपके गार्डन को सजा के रख देगा आपका काम कर देगा बहुत हल्का तो इस बिंदास आइडिया को आप जरूर करेंगे ऐसा मेरा दिल कहता है नमस्कार वेस्टी वेष्टि पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज के इस बहुत खूबसूरत बहुत यूनिक से आइडिया के साथ देखिए स्पंज वाला स्क्रबर आप कोई भी ले सकते हैं जरूरी नहीं कि मेरे जैसा हो और अब बात करेंगे हम लोग उन पौधों की जो पौधे आप पानी में लगा सकते हैं पर यहाँ पर मैं लूँगी अपना कॉमन सा पौधा मनी प्लांट वीडियो शुरू करूं उससे पहले क्या करना है वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि सबके काम का थाउजेंड परसेंट ये आइडिया चैनल की घंटी बजा दीजिए और साथ ही साथ ऑल का बटन भी दबा दीजिए जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिले और अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने की जरूरत हो सकती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक मैंने कांच का ग्लास लिया और यही स्पंज वाला स्क्रबर लिया और इसमें देखिए मैं दो पौधे आपको दिखा रही हूँ ये अपना सिंगोनियम और जो अभी पहले मैं दिखा के गई वो था मनी प्लांट कोई भी पौधा जो आपको पता है कि पानी में सर्वाइव करेगा वो आप पौधा चुन सकते हैं पर ये अपने कॉमन से पौधे हैं जो सबके घर में मिलेंगे इस इसलिए मैं सिर्फ यही दो पौधे लेके दिखा रही हूँ कोई मिट्टी का काम नहीं कोई पानी का काम नहीं बिल्कुल सूखा सा पौधा ना इस पौधे में आपके मच्छर आएंगे ना मक्खियाँ आएंगी और खूबसूरती तो आपकी नज़रों के सामने में इस खूबसूरती को तो आप नकार नहीं सकते ना तो इससे बेहतरीन आइडिया क्या हो सकता है चलिए इसकी ग्रोथ भी दिखा देती हूँ हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि इसमें ग्रोथ कैसे होगी ये देखिए कुछ दिनों पहले ये भी लगाया था शायद एक हफ्ता हुआ होगा एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ होगा और यहाँ पर देखिए रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं ये देखिए हर कटिंग में रूट आ गई है कोई भी कटिंग आपकी मिस कर जाए ना तो आप वापस आइएगा वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा हंड्रेड परसेंट क्या थाउजेंड परसेंट गारंटी कि आपकी हर कटिंग यहाँ पर ग्रो होगी कुछ रूट्स देखिए दूसरी साइड से भी बाहर निकलने शुरू हो गई हैं क्योंकि अभी इस बरसात में हर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बहुत फास्ट रूटिंग होती है तो एक हफ्ते में आपकी जड़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी बस स्पंज को हमें गीला रखना है इसमें हम लोग बीच बीच में पानी स्प्रे करते रहेंगे स्प्रे की आप इसमें भर दीजिए और जितना स्पंज को पानी सोखना है सोख लेगा उसके बाद आप एक्स्ट्रा पानी निकाल भी सकते हैं जब पानी हमारे एक बूंद ऊपर नहीं रहेगा तो यहां पर मच्छर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी जैसा कि अक्सर होता है जब हम पानी में पौधे लगाते हैं तो हमें हमेशा डर रहता है मच्छरों का है ना ये देखिए कुछ दिन बाद का अपडेट आपको दिखा रही हूं कुछ दिन बाद देखिए इसमें कितनी और अच्छे से रूट्स निकल आई देखिए धीरे धीरे रूट्स नीचे अपना जाल बिछाती जा रही हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं हमारे स्क्रबर्स हरे लाल नीले पीले गुलाबी किसी भी रंग में आप ले सकते हैं मैंने दो कलर लिए थे एक अपना पिंक और एक येलो आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर चुन सकते हैं ग्रोथ मैंने दिखा दी ग्रोथ में आपको कोई डाउट होगा ही नहीं और स्पंज आपके घर में पक्का होगा तो आप इंतज़ार किस बात का जल्दी से दौड़ के जाइए अपनी किचन से एक तो स्क्रबर उठाइए और आप भी बना डालिए खूबसूरत सा पीस और हाँ जाते जाते खुशी में कहीं वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जल्दी से लाइक करिए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का धन्यवाद